हेलो दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है, जो कि 28 मार्च 2018 का करंट है। ये करंट यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम तथा एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के करंट को डेली अपडेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं किस पोर्शन में आज कितने क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात की जा रही है राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चनों की बात की जाए तो क्वेश्चनों की क्वांटिटी 4 है। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्वेश्चनों की क्वांटिटी 4 है। देख लेते हैं विशेष व्यक्ति और खेल जगत की बात, तो इसमें भी क्वेश्चनों की क्वांटिटी है 3 है। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो इसमें भी क्वेश्चनों की क्वांटिटी 2 है। तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले आज का हॉट क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने अगले वर्ष से 13 महानगरों में BS6 मानक की गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन खतरनाक प्रदूषण स्तर की वजह से किस शहर में इस वर्ष 2018 में ही लागू किया जाएगा? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दिल्ली समेत देश के 13 महानगरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च 2018 को इन शहरों में 1 अप्रैल 2019 से, देखिए दोस्तों कब से, 1 अप्रैल 2019 से BS6 मानक की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है दोस्तों, जबकि दिल्ली NCR में अगले महीने की 1 तारीख से ही BS6 मानक के वाहन चलाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप समझ नहीं सकते। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया था कि जो आर्कटिक है, मतलब कि जो वहाँ पर बर्फ़ है, वो काफ़ी मतलब कि कम उसकी संख्या घटी है जमने की। तो 2015 में क्या था, तो 1980 में क्या था, आज आपका न्यूज़पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली में ही 2018 में लागू हो जाएगा। 2019 में जो है 13 महानगरों में ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई GP जीती है? तो देख लेते हैं उसका नाम क्या है, तो वे हैं सेबास्टियन वाल्टेल। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्कूल में नक्सलियों भेदभाव को खत्म किए जाने वाले अमेरिकी के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के केंद्र में रहने वाली उस महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चलिए नाम देख लेते हैं, तो वह है लिंडा ब्राउन। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में किस संगठन के साथ भारत ने मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, तो देख लेते हैं किसके साथ किए हैं हस्ताक्षर। तो दोस्तों वो किए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ, हमारे भारत ने जो है मेजबान देश के साथ समझौता किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ ये सब किया है। अगले क्वेश्चन बात की जाए तो किस अनुवांशिकी विकार के लिए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या डाउन सिंड्रोम है, या थैलेसीमिया है? तो दोस्तों देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय न्याय ने नई दिल्ली में डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय न्याय के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित टैवी लाइट्स चिल्ड्रंस नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि इसके ऊपर कौन सी, डाउन सिंड्रोम्स के ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो वो है टैवी लाइट चिल्ड्रंस के नाम से ये पुस्तक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, डाउन सिंड्रोम इसका आंसर है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बता चुकी थी हमारी करंट GK ट्रिक में, मतलब कि GK ट्रिक में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी थी। जो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो इसका Part 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। बात करते हैं आगे, किस बैंक ने 15 अफ्रीकी देशों के लिए $500 मिलियन की लोन सुविधा बढ़ा दी है? उस बैंक का नाम हमें बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको हम एक्जिम बैंक भी कहते हैं, उसने 26 मार्च 2018 को कहा कि, क्या कहा दोस्तों, कि वह पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका में विभिन्न विकास परियोजना को निधि देने के लिए इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को $500 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करेगा। यह ऋण 15 देश, बेनिन, वेकिना फोसो, केप वर्ड,
कोटी, आइवरी, देखिए आप देख सकते हैं इसको जूम करके या रोक के कितने शहर हैं। चलिए बढ़ लेते हैं, इसका आंसर है एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक में जो 15 अफ्रीकी देश हैं वो मैं नीचे बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो 15 देश हमें याद रखने हैं और 500 मिलियन का डॉलर जो है वो एक्जिम बैंक ने बढ़ा दी है। किस देश ने फर्जी खबरों के लिए 10 साल की जेल का प्रस्ताव किया है? तो देखिए मतलब आप फर्जी खबर दे दी, हाँ जी फला कंपनी ने इतनी जॉब निकाली है, आप 10 रुपये का फॉर्म है, इतने का फॉर्म है, आप भरिए। तो दोस्तों इस तरह की खबर जो भी कोई निकालेगा तो उसको 10 साल की जेल होगी। तो वो कौन सा देश है? तो देख लेते हैं, वो है मलेशिया। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में आप जानते हैं कि मलेशिया कहाँ है, तो चलिए देख ही लेते हैं मलेशिया की लोकेशन कहाँ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मलेशिया की लोकेशन यहाँ है, आप ये जो रेड रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ये मलेशिया है। आप देख सकते हैं कि मलेशिया जो है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में सिचुएटेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मलेशिया का ये मैंने वर्ल्ड मैप निकाल लिया है। तो मलेशिया में आप देख सकते हैं सिंगापुर यहाँ पर सिचुएटेड है, और हम देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी भी जो है मलेशिया के बीचों बीच में आता है। मलेशिया के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से ऊपर यहाँ थाईलैंड है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक मैप था जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मलेशिया की सिचुएशन में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो देखिए मलेशिया के लिए पूछ लिया जाएगा कि मतलब कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया का पड़ोसी देश क्या होगा? इंडोनेशिया, थाईलैंड, और आप देख सकते हैं दोस्तों वर्ल्ड मैप का जो इमेज है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसका आंसर मलेशिया हुआ। बढ़ते हैं आगे हम कि ब्रिटेन में पूर्वी रूसी जासूस पर हमले में नॉर्वे एजेंट के इस्तेमाल के आरोप के बाद कई यूरोपीय देशों ने किस देश के राजनीतियों को निकाल दिया है? तो देखते हैं कौन सा वो देश है, रूस, जापान, जर्मनी या डेनमार्क। तो देख लेते हैं आंसर इसका है रूस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब लेट्स रिकैप। तो जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं और वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी को गुजरात में 75 मेगावाट के SPP प्लांट के निर्माण के लिए अनुबंध मिला है? तो वो दोस्तों है व्हील। किस गठबंधन और विदेश मंत्रालय ने 26 मार्च 2018 को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय न्याय ने यहाँ डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? तो दोस्तों किया है नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा के चुनाव 12 मई को कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 15 मई को होगी? तो वो है कर्नाटक, हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो किस देश ने फर्जी खबरों को छापने पर 10 साल की जेल का प्रस्ताव किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है मलेशिया। कौन सा देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। देखिए दोस्तों भारत जो है बिजली उत्पादन में जो है तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति बिजली उत्पादन में कौन सी है? तो दोस्तों तीसरी है। कौन सा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है? तो ऑटो मार्केट भी हमारा भारत बना है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के राजनीतियों को कई यूरोपीय देशों ने निष्कासित कर दिया है? तो वो है रूस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, विशेष व्यक्ति की बात करें तो अमेरिकी स्कूल में भेदभाव को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ने वाली किस महिला का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो वो लिंडा ब्राउन। खेल जगत की बात करें तो किन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई GP जीती है? तो वो है सेबेस्टियन वेटल। कौन IPL में राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे? तो वो है अजिंक्य रहाणे। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में देखते हैं दो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस एक पहल है जिसे संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस में किस वर्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों देख लेते हैं किस वर्ष में लॉन्च किया है, तो वो क्या 2015 में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो कि 27 मार्च को मनाया जाता है, जो कि कल आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी। तो दोस्तों कल के न्यूज़पेपर में भी ये दिया हुआ है, मतलब कि आज के न्यूज़पेपर में, कि जो रंगमंच का कार्यक्रम है नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है, जो कि मतलब कि 27 तारीख को मनाया गया है। आप न्यूज़पेपर आज का रीड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के करंट में बस इतना ही।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन एंड नए अपडेट के साथ और नए जीके ट्रिक्स के साथ भी। ये तीसरी वीडियो में एक दो दिन के अंदर डाल दूंगी, तो देखते रहिए परी राजपूत चैनल्स। स्टडी लव। ओके थैंक्स।